press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जम्मू कश्मीर में सुंजवा आर्मी कैंप पर आतंकियों ने निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 7 के घायल होने की खबर है। हमले में सेना के एक जवान की बेटी भी घायल हो गई। सेना कैंप के अंदर मौजूद आतंकियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। QRT की 4 टीमों को आर्मी कैंप के अंदर भेजा गया। ऑपरेशन के लिए पैरा कमांडो को भी तैनात किया गया है। IAF के पैरा कमांडो को उधमपुर और सरसाव से जम्मू बुलाया गया। उस घर को चारों ओर से घेर लिया गया जिसमें आतंकी छिपे बैठे हैं। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। माना जा रहा है कि यह फियादिन हमला हो सकता है लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि कैंप के पीछे की दीवार से कूदकर आतंकी अंदर दाखिल हुए। आतंकियों ने गार्ड्स के बंकर पर सबसे पहले फायरिंग शुरू की। गौरतलब है कि साल 2006 में भी आतंकवादियों ने इसी सेना के स्टेशन पर हमला किया था। उस हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे और 7 घायल हो गए थे। वहीं 2 आत्मघाती आतंकी भी मारे गए थे।